बड़ी खबर बता रही हूं। करोगे और उसके बाद आप चाहोगे कि आपको जवाब ना दिया जाए। एसीपी वेदभूषण हमारे साथ है, प्रेम कुमार जी भी हैं। मैं एक बार जरा बता देती हूं कि जो खबर आ रही है, अब ये खबर कितनी डेंजरस है इसको जरा डिकोड करेंगे। आरोपी संजय रॉय की बाइक को लेकर जो बीजेपी नेता अमित मालवीय वो बड़ा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरोपी की बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानी कि वो बाइक जो आरोपी संजय रॉय चला रहा था वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है और कोलकाता पुलिस ने भी माना यही वो बाइक है। अब ये नाम में अगर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें कोलकाता पुलिस ने जवाब भी दिया, ये भी आपको बताऊं, वो कह रही है कि भाई वहां पुलिस की सारी बाइक्स तो पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये चला क्यों रहा था भाई, यानी आपने माना कि पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक संजय रॉय चला रहा था। एसीपी भूषण आपसे पूछ रही हूं, ये कितने सवाल उठाता है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में और कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनऑर्डिनेट डिले हुई है, अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से फेलियर रहा है और सरकार की जो ड्यूटी थी उसको निभाने में सरकार फेल हो गई है। सीबीआई को ट्रांसफर करने से आपका पीछा नहीं छूट जाएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, कलकत्ता पुलिस आपके कंधे पर चलती है, आप वहां के गृह मंत्री हैं, अपना पीछा नहीं छुटा सकते कि हमने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कर दी है, अब हम अब पाक साफ हो गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर जो आपने पाप किए हैं उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है कि किस तरह से वहां पर ये जो सारा दिखाया जा रहा, जिस तरह से आपको याद होगा सुचरिता निर्भया का कांड में जो हुआ था, मैं उस टाइम एसीबी पार्लियामेंट था, ऐसा प्रदर्शन हमने इजाजत दी, डेमोक्रेटिक कंट्री, अपने बात रखने का सबको अधिकार है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रजातांत्रिक सिस्टम है उनको अपनाने का हर एक नागरिक को अधिकार है। परंतु आप टीवी पर जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जो जिस तरह से पुलिसिंग दिखा रहे हैं, ऐसी पुलिसिंग, मैं तो राजधानी की पुलिसिंग है, यहाँ से बड़े बड़े प्रदर्शन मैंने देखे हैं, हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली को घेर लिया गया। पर ऐसी जिस तरह से कलकत्ता के अंदर बर्बरता के तरीके से आप कह रहे हैं स्टूडेंट नहीं है, अरे भाई कोई अपराधी आ गए, क्रिमिनल आ गए, बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, किस तरह के लोग हैं, आप फेल हो गए, अपना फेलियर मान नहीं रहे कि आप पूरी तरह से नाकामयाब हो गए। आप सिस्टम क्या आप कर्फ्यू लगाना चाहते हैं कलकत्ता की रोड के ऊपर? आप लगाइए जो सेक्शन प्रोविजन है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर प्रोविजन है उनका इस्तेमाल कीजिए, आप लगा दीजिए कर्फ्यू कलकत्ता की रोड के ऊपर। आपको बहाली हुआ है और एसीपी में आप रिटायर किया है, आप बिल्कुल पुलिस में काम करने के लायक आप है ही नहीं है, क्या आपको लायक ही नहीं करने वाले कोई नहीं है। भारत सरकार से आज भी पेंशन लेता हूँ, आप जैसों की तो बिसात ही नहीं है, आप जैसों की कोई बिसात नहीं है सवाल पैदा करने की मेरे ऊपर के मेरे कैरियर के ऊपर। आप पहले अपने आप एसीपी भूषण एक मिनट, दूसरे एसीपी भूषण एक मिनट, बात नहीं कर रहे हैं, हमने घर को ठीक, संजय जी आप पुलिस थे, आप अपना घर को, संजय जी मैं एक मिनट, एसीपी भूषण लेट मी स्पीक टू हिम, आप जैसे आदमी से बात करने का शर्म लग रहा है, ठीक है आपको शर्म लग रहा है, आप मत बात करिए। संजय जी आपको इनसे एक रिटायर्ड एक ऑफिसर से बात करने में शर्म आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों पे कोई शर्म नहीं आ रही है। कोलकाता रेप और हत्या पर आपको कोई शर्म नहीं आ रही है, वहां पर आरोपी का बाइक पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड है कमिश्नर के, उस पर शर्म नहीं आ रही है, पर इनसे बात करने में आपको शर्म आ रही है। आई थिंक यू आर राइट, इंसान तो बॉर्डर से आएंगे, उसको वीसा रहेंगे, इमिग्रेशन करने पड़ेंगे, इमिग्रेशन दफ्तर भी किसको अंडर में रहता है, होम डिपार्टमेंट के अंडर में रहता है, आप कुछ नहीं जानते भाई साहब, आप बेकार आदमी है। अच्छा आपसे बात नहीं, आपसे बहस करने का मतलब एक मूड से बहस करने का सवाल है। ये पर्सनल एलिगेशन जो आप लगाते हैं संजय जी, सबसे बड़ा बात है, देखिए आप किस तरह के इंसान को आपने बिठा रखा है जो एक पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी से इतनी बदतहजीबी से बात कर रहा है? नहीं नहीं शाजिया जी, मैंने आपने शायद सुना नहीं, उन्हें शर्म आ रही है एक पूर्व पुलिस अफसर से बात करने में, लेकिन इन तस्वीरों पर उन्हें शर्म नहीं आ रही है।
रेप और हत्या जैसा जघन्य अपराध हो गया, क्राइम सीन टैंपर हो गया, वहां पर आरोपी पुलिस कमिश्नर की नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चला रहा है, उन पर शर्म नहीं आती? इनसे बात करने में आ रही है, क्या बोलूं मैं, बताइए ना। बिल्कुल, जिस पुलिस कमिश्नर के नाम पर आरोपी बलात्कारी हत्यारे की बाइक रजिस्टर्ड है, उस पर शरण को शर्म नहीं आ रही है। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। और अभी जो हमारे अच्छे भाई जो बता रहे हैं कि क्या उन्होंने देखा है बतौर एक पूर्व अधिकारी, आप उनके इस तरह से बात कर रहे हैं? किस तरह के लोग हैं आप लोग? और जो छात्रों का आक्रोश है उसको आप संभाल नहीं पा रहे, संरक्षण दे रहे हैं बलात्कारियों का, और अब आप कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? कैसे लोग हैं आप लोग? किस तरह की बर्बरता है ये? और ममता बिल्कुल सही कह रही थी, जो मेरी बहन ममता कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी, ये लोगों का आक्रोश है और एबीवीपी का किसी को छुपने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं, विवेक जी तो नहीं मान रहे। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूं, उसका अनामिका के पास जा रही हूं, अनामिका सीधे हमारे से कोलकाता से जुड़ रही है। एक बार प्रेम कुमार जी जो विवेक जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये प्रदर्शन इनका है ही नहीं। पंथी जो है पिटती है, मैं तो आपसे पूछूंगी सर, ये प्रदर्शनकारियों पर इस तरह से आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, उन्हें ऐसे दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं जैसे पता नहीं, छात्रों को ये कह देना कि ये हत्या की प्लॉटिंग कर रहे थे, हिंसा की प्लॉटिंग कर रहे थे। देखिए सुचारिता जी, प्रदर्शन कोई करे, छात्र करे या कोई भी करे, प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, इस बात को मान के चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्रदर्शनकारी जो सड़क पर आए हैं वो बलात्कार और हत्या के मामले से बढ़ करके उस मुद्दे को प्रमुख न बना करके वो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे हैं, सचिवालय घेरने जा रहे थे, और जो बातें सामने आई हैं ऑडियो क्लिप्स के जरिए, उसमें जो बातचीत मिदनापुर वाला जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें बीजेपी के नेता बातचीत कर रहे हैं कि दो तीन लोग जब तक पुलिस की गोली से मरेंगे नहीं, हमारा एजिटेशन, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो हम तो मानते हैं कि आज उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है, पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई है, उनका जो मकसद है वो नाकाम हुआ है। इसके लिए कोलकाता पुलिस को फिर भी एक उस संतोष होना चाहिए उसके प्रति कि गोली नहीं चली है, जैसा कि प्रदर्शनकारी पहले से बातचीत कर रहे थे। ये गंभीर मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। तो एक और महत्वपूर्ण बात, प्रदर्शनकारी चाह रहे थे, पुलिस चाह रही थी कि प्रदर्शनकारी चाह रहे थे पुलिस गोली चला दे, ये मामला बड़ा हो जाए, ये हिंसा बड़ी हो जाए, ये कह रहे हैं। बात आई है पब्लिक डोमेन। अच्छा, कैसे आई है? इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको जारी किया गया ऑडियो, बिदनापुर का ऑडियो है, बीजेपी के वेरीफाइड ऑडियो है सर, वेरीफाइड ऑडियो है। प्रेम कुमार जी, मैं हर ऑडियो को मान लूं के सही हो रहा था? नहीं, आपका तो काम नहीं है, लेकिन आप जब नेशनल टेलीविजन पर कोई बात कहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। ये, तो ये वेरीफाइड ऑडियो है, मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने दावा नहीं, किया सर, एक आपका तो एक बयान होगा, वहाँ चिंगारी लग जाएगी और ये चिंगारी से आग भड़क जाती है, इसीलिए जो अनवेरीफाइड वीडियो है सर या ऑडियो है उसके बारे में मत बोलिए ना। अनवेरीफाइड तो बहुत चीजें मेरे तरफ से नहीं है, ये बात चूंकि पुलिस की ओर से बताई गई, सरकार की ओर से बताई गई, मैं नहीं, मैं इस पर शाजिया जी का जवाब लूंगी मैं, पर एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक बार बड़ी खबर बता। कल बंगाल बंद का ऐलान किया बीजेपी ने, 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। बंद में शामिल होने का सभी से आह्वान कर रही है बीजेपी। जब ममता विपक्ष में थी तब हर महीने हड़ताल करती थी, बंद करती थी, वो ये भी कह रहे हैं, जब ममता बनर्जी थी विपक्ष में तो वो हर महीने बंद का ऐलान करती थी।